क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है वेक्टर से रिलेटेड है. इसमें कहा गया है द सम ऑफ टू फोर्सेज पी एंड क्यू इज आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी, है ना. तो मतलब ये है कि दो फोर्स है पी और क्यू जिनका रिजल्टेंट है आर. तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि एक वेक्टर जो है वो है इस तरह से पी, है ना, और दूसरा वेक्टर जो है ये है क्यू. इन दोनों को ऐड करना है, सम इन दोनों का बताया गया. इन दोनों का सम निकालना हो, इन दोनों का सम निकालना हो तो क्या करते हैं, हेड और टेल मिलाते हैं. फ्री टेल ये है, फ्री हेड ये है. मैंने जानबूझ के इसको इधर खींचा है क्योंकि जो रिजल्टेंट आएगा ना, ये रिजल्टेंट एक तो आर है और ये आर का लेंथ और पी का लेंथ इक्वल है. तो ये देखने में आइसोसेलस ट्रायंगल जैसा दिखना चाहिए. इसका लेंथ बराबर है. अगर मैं इसको यहाँ नहीं लाऊंगा, या तो आगे ले जाऊंगा या पीछे लाऊंगा, दोनों केस में ये दोनों बराबर नहीं होंगे. इसलिए मैंने इसको खींचा यहाँ तक ताकि ये और ये दोनों लेंथ इक्वल दिखे. अब ये आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया है, है ना. ये और ये दोनों साइड इक्वल है, ये और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. ठीक, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ. तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक, अब आगे क्या बताया गया, कहा गया कि एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू पी एंड क्यू. अब एक टू पी वेक्टर लेना है और एक क्यू वेक्टर लेना है. इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बताना है कि क्यू से कितना एंगल बनाएगा. तो देखेंगे P का लेंथ ये लेंथ जो है मैग्नीट्यूड बताता है. अगर ये P है तो 2P इसका जस्ट डबल होगा. जस्ट डबल कर देते हैं, इसका लेंथ हम लोग बढ़ा देते हैं और डायरेक्शन वही रखना है. 2P है मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया, डायरेक्शन वही है. तो ये भी P है, ये P था, टोटल हो गया यहाँ से यहाँ 2P. और देखेंगे पहले ये Q था, है ना, ये Q था. अब जो है ये क्यू बनेगा. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका इस साइड का ये मीड पॉइंट है, है ना. तो ये वाला साइड है इसका भी ये मीड पॉइंट होगा, है ना. मीड पॉइंट होने का मतलब है कि जो है ये जो साइड लेंथ है इसका जस्ट ये पैरेलल होगा और इसका डबल भी होगा. ये आधा है एक्चुअली में, क्यू का आधा है. ये क्यू बाई टू, एक क्यू बाई टू हमने एंगल बाइसेक्टर बताया था. तो ये क्यू बाई टू था, ये भी क्यू बाई टू था. अब चूंकि ये दो साइड के मिड पॉइंट को हमने मिलाया है तो इसके पैरेलल और इसका डबल ये होगा. अगर ये क्यू बाई टू था तो ये क्यू होना चाहिए. तो कहने का मतलब ये है कि अपना जो डायग्राम बना है उसके हिसाब से 2P और Q ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये होना चाहिए, है ना. 2P और Q का रिजल्टेंट निकालना था. ये 2P है, ये Q है, इन दोनों को ऐड किया हमने हेड और टेल मिला करके, तो फ्री टेल से फ्री मिला, ये रिजल्टेंट बन गया. तो ये रिजल्टेंट इस Q से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था इसके पैरेलल, तो ये होगा. तो अगर यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पर यही एंगल पूछा गया था कि 2P और Q का जो रिजल्टेंट है वो Q वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है. तो ये जो एंगल आया वो आ गया 90 डिग्री. डिग्री में पूछा गया था ऑप्शन में, इसलिए हमने 90 डिग्री बताया.